सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश कुमार, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजा तालाब वाराणसी में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, प्रथम वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 9 विषय हिंदी के प्रथम पाठ कबीरदास जी के जीवन परिचय, रचना व साखी पद से अवतरित लगभग 6 पदों का अध्ययन कर लिया था। आज हम सब उसके आगे के पदों का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। कबीरा चित्त चमंकिया, चहुदिशी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी द्वारा रचित साखी पद से अवतरित है। प्रस्तुत दोहे में राम नाम के स्मरण मात्र से विषय वासनाएं समाप्त हो जाती है, इसी का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा चित्त चमंकिया। चित्त का अर्थ है हृदय या मन, चमंकिया का अर्थ है प्रकाशित हुआ, चहुदिशी का अर्थ है चारों दिशाओं में, लाई का अर्थ है आग, हरि का अर्थ ईश्वर या परमात्मा, सुमिरण का अर्थ है स्मरण करना, वेगे का अर्थ है शीघ्र। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में विषय वासना रूपी आग चारों दिशाओं में लगी हुई है। विषय वासना रूपी आग चारों दिशाओं में लगी हुई है, इसलिए चित्त चमंकिया, मन चंचल हो गया है। कवि के कहने का भाव यह है कि विषय वासनाएं व्यक्ति के मन को स्थिर नहीं रहने देती, अतः कबीर दास जी मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, हाथू तेरे हाथ में हरि सुमिरन राम नाम का स्मरण रूपी जल का घड़ा है। राम नाम का स्मरण रूपी जल का घड़ा है, इससे तू शीघ्र ही उस विषय वासना रूपी आग को बुझा ले, उस विषय वासना रूपी आग को बुझा ले। कवि के कहने का भाव यह है कि राम नाम के स्मरण से मन को विषय वासनाओं से छुटकारा मिल सकता है, तभी मन शांत और स्थिर रह सकता है। प्रस्तुत दोहे में भाषा सदुक्कड़ी भाषा, शैली आलंकारिक शैली, रस शांत रस, अलंकार अलंकार में चहुदिशी लागी लाई, इस पद में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा और इस पद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। प्रस्तुत दोहे में परमात्मा से मिलने के लिए बिरहड़ी आत्मा तड़प रही है, परमात्मा से मिलने के लिए बिरहड़ी आत्मा तड़प रही है, इसी का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि राम, राम का अर्थ यहाँ पर परमात्मा, पंथ का अर्थ है मार्ग, निहारी का अर्थ है देखते हुए, अषड़िया का अर्थ है आँखें, झाई का अर्थ है जाला या अंधेरा, जिभड़िया का अर्थ है जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के मार्ग को देखते देखते आँखों में जाले पड़ गए हैं, परमात्मा के मार्ग को देखते देखते
आँखों में जाले पड़ गए हैं तथा प्रभु के नाम को पुकारते पुकारते, प्रभु के नाम को पुकारते पुकारते जीभ में भी छाले पड़ गए हैं, परंतु अभी तक प्रभु नहीं मिले, परंतु अभी तक प्रभु नहीं मिले। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बाट जो रही है, मार्ग को देख रही है, उन्हें पुकार रही है। किन्हें पुकार रही है? परमात्मा को। कौन? आत्मा। तो प्रस्तुत दोहे में राजस्थानी शब्दों से युक्त सदुकड़ी भाषा है, शैली भावात्मक शैली, रस शांत रस, अलंकार यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम सब अगले पद का अध्ययन करेंगे। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। प्रस्तुत दोहे में संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए, संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। मानत माने समझता है, मोद का अर्थ है प्रसन्नता, जगत का अर्थ संसार, चबैना का अर्थ है कलेऊ ग्रास। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मनुष्य, तू इस संसार के झूठे सुखों को सुख समझकर मन में प्रसन्न हो रहा है। अरे मनुष्य, तू इस संसार के झूठे सुखों को सुख समझकर मन में प्रसन्न हो रहा है। यह संसार तो काल का ग्रास है, कुछ उसके मुख में है और कुछ उसकी गोद में अर्थात झोली में, कवि के कहने का भाव यह है कि इस संसार के सभी प्राणी नश्वर हैं, कुछ काल द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं और कुछ काल की झोली में है, अर्थात कुछ समय बाद उनका भी नष्ट होना संभव है, उसका भी नष्ट होना तय है। तो प्रस्तुत दोहे में सदुकड़ी भाषा है, अलंकारिक शैली है, शांत रस है, रूपक व अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अब हम सब अगले पद का अध्ययन करेंगे। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि अहम भाव के त्यागने के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं का अर्थ अहंकार, हरि का अर्थ है परमात्मा, कि जब तक मुझ में अहंकार की भावना थी तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। अब हरि है मैं नहीं, किंतु जब मेरा अहंकार भाव नष्ट हो गया तब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, सब अधियारा मिट गया। जब से मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तब से मेरे हृदय का
अहंकार रूपी अज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो गया है जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। कवि के कहने का भाव यह है कि अहम के त्याग से ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। प्रस्तुत दोहे में सदुकड़ी भाषा है, शैली प्रतीकात्मक शैली, रस शांत रस, अलंकार रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, छंद दोहा छंद। अब हम सब अगले पद का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत दोहा है, कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास, काल ही परियु भवे लौटड़ा ऊपरिजा में घास। प्रस्तुत दोहे में संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कहा गर्भियो, गर्भियो का अर्थ गर्भ, आवास का अर्थ है भवन, काली का अर्थ है कल, भमे का अर्थ है पृथ्वी, लौटड़ा का अर्थ है गिरना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर गर्व करने से क्या लाभ, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं होगा, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं होगा। काली परयु भवे लौटना, भवे का अर्थ पृथ्वी पर, काली परयु भवे लौटना, भवे का अर्थ है पृथ्वी पर, लौटना का अर्थ है गिर पड़ेंगे। एक दिन ये सभी पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, उनके ऊपर घास उग आएगी। कवि के कहने का भाव यह है कि संपूर्ण वैभव नाशवान एवं सारहीन है, अतः हे मनुष्य, गर्व को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन रहो, उसी में ही हित है, उसी में ही हित है। प्रस्तुत दोहे में सदुकड़ी भाषा है, रस शांत रस, शैली लाक्षणिक व उपदेशात्मक शैली है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है तथा छंद दोहा छंद है। अब हम अगले पद का अध्ययन करेंगे। यहूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दीन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। प्रस्तुत दोहे में सांसारिक बाहरी चमक दमक और भीतरी निस्सारता का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, इस संसार की असारता को भली भांति समझ ले। यहूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, हे मनुष्य, इस संसार की असारता को भली भांति समझ ले, क्योंकि यह संसार सैंबल फूल के समान है। जिस प्रकार सैंबल फूल का, सैंबल फूल देखने में ही सुंदर होता है परंतु उसमें सुगंध नहीं होती, ठीक उसी प्रकार यह संसार असार व क्षणभंगुर है। इसी प्रकार यह संसार असार व क्षणभंगुर है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, दिन दस के व्यवहार को, कि थोड़े दिन के जीवन और झूठे रंग, बाहरी एवं झूठे आकर्षणों में पढ़कर न भूली, ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। इसके बाहरी एवं झूठे आकर्षणों में पढ़कर ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। प्रस्तुत पद में दिन दस के व्यवहार में लोकोक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा
सुदुक्कड़ी भाषा है। रस शांत रस, शैली सरस व उपदेशात्मक शैली है। अलंकार उपमा अनुप्रास अलंकार है तथा छंद दोहा छंद। प्रस्तुत पद है इह अवसरि चेत्या नहीं पशु जुपाली देह राम नाम जान्या नहीं अंति पड़ी मुख सेह। प्रस्तुत दोहे में पशु के समान पेट भरने से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य को राम के नाम का मर्म जानना चाहिए। इसी का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य इह अवसरी, इह का अर्थ है इस, अवसरी का अर्थ है अवसर, देह का अर्थ है शरीर, अंति का अर्थ है अंत, सेह का अर्थ है धूल। कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य तू इस संसार में मानव शरीर प्राप्त करके भी, अवसरी का अर्थ यहाँ पर मानव शरीर से है, हे मनुष्य तू इस संसार में मानव शरीर प्राप्त करके भी नहीं चेत पाया। तूने अपनी देह पशु के समान पाल पोष कर पुष्ट कर ली। तू आहार निद्रा भय मैथुन आदि में व्यस्त रहा और राम के नाम का मर्म नहीं जान पाया। अतः तू अंति अंत में मिट्टी की धूल में मिलकर नष्ट हो जाएगा। अंत में तो मिट्टी के धूल में मिलकर नष्ट हो जाएगा। कवि के कहने का भाव यह है कि शरीर नाशवान है, इसके मोह में पड़े रहना मूर्खता है। प्रस्तुत दोहे में सुदुक्कड़ी भाषा है, शैली आलोचनात्मक शैली है। रस शांत रस, अलंकार उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। छंद दोहा छंद। अगला पद है यह तन काचा कुंभ है लिया फिरैता साथ ही ढक्का यह दिया है, ढक्का होना चाहिए, ढक्का लागा फूट गया कछु न आया हाथी। प्रस्तुत दोहे में मानव शरीर की क्षण भंगुरता का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन काचा कुंभ है। यह तन यह शरीर, काचा का अर्थ है कच्चे, कुंभ का अर्थ है घड़ा। हे मनुष्य यह शरीर कच्चे घड़े के समान शीघ्र नष्ट होने वाला है। लिया फिरैता साथी, इसको तू अपने साथ लेकर घूमता रहता है, इसको तू अपने साथ लेकर घूमता रहता है, अर्थात आत्मा इस कच्चे घड़े रूपी शरीर को, घड़े रूपी शरीर में निवास करती है। एक बार हम पुनः देखेंगे, मानव शरीर की क्षण भंगुरता का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य यह शरीर कच्चे घड़े के समान शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। लिया फिरैता साथी, इसको तू अपने साथ लेकर घूमता रहता है, अर्थात आत्मा इस कच्चे घड़े रूपी शरीर में निवास करती है। धक्का लगा फूट गया, जिस प्रकार धक्का लगने पर घड़ा फूट जाता है, जिस प्रकार धक्का लगने पर घड़ा फूट जाता है, उसी प्रकार काल अर्थात मृत्यु का धक्का लगते ही शरीर नष्ट हो जाएगा। कछु न आया हाथी, और अंत में कुछ हाथ नहीं आएगा। अतः प्रस्तुत
पद में कवि कबीरदास जी ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है, शांत रस है, रूपक व अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगला पद है, कबीरा कहा गरबियो देह देख सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं जो कांचली भुजंग। प्रस्तुत दोहे में सुंदर शरीर पर गर्व करने वाले मनुष्यों को सचेत करते हुए कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, कबीरा कहा गर्व, गर्वियों का अर्थ है गर्व, देही का अर्थ है शरीर, सुरंग का अर्थ है सुंदर, बिछड़िया का अर्थ है बिछोड़ने पर, भुजंग का अर्थ है सांप। हे मनुष्य, सुंदर शरीर को देखकर गर्व करने से क्या लाभ। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, सुंदर शरीर को देखकर गर्व करने से क्या लाभ, क्योंकि बिछड़िया मिलबो नहीं, क्योंकि एक बार इससे बिछड़ जाने पर फिर से मिलना नहीं होगा, मिलबो नहीं फिर से मिलना नहीं होगा। जो कचली भुजंग, उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सांप की केचुली उसके शरीर से अलग हो जाती है और सांप उसमें दोबारा नहीं आ सकता, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा उसी शरीर में दोबारा नहीं आती है। अतः कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सुंदर शरीर को प्राप्त करके मनुष्य को गर्व नहीं करनी चाहिए। प्रस्तुत दोहे में भाषा सुदुक्कड़ी भाषा शैली, उपदेशात्मक शैली और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आशा करता हूँ कि प्रत्येक बच्चे को कबीरदास जी का यह पाठ अत्यंत आनंददायक और रोचक लगा होगा।